तभी असली अर्थों में हम परमात्मा को
चाहने योग्य बना पाएंगे तभी हम उसकी चाहना कर पाएंगे। ऐसा ही एक मंत्र आज जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है यजुर्वेद के 5वें अध्याय का 35वां मंत्र। विभिन्न गुणों से युक्त इस मंत्र में परमात्मा को बताया गया है और उन गुणों को ध्यान रखते हुए हम बहुत सुंदर उससे प्रेरणा ले सकते हैं और उस प्रेरणा को अपने व्यवहार में लाने का प्रयत्न कर सकते हैं। तो मंत्र का पहला भाग है पुषिक असी। पुषिक असी कवि, पुषिक कहते हैं जो कामना करने के योग्य है, जो चाहने के योग्य है, जो कांतिमान है, जिसमें चमत्कार है, जिसमें आकर्षण करने की शक्ति है, वो कौन है? पुषिक असी। और वो क्यों है? क्योंकि वो कवि है, पूर्ण विद्वान है। महर्षि दयानंद जी ने इस मंत्र में परमात्मा का जो कमनीयता है, कामना करने के योग्य जो क्वालिटी है, उसको किसके साथ जोड़ा है? परमात्मा की विद्वता के साथ। परमात्मा वो लिखते हैं कि वो सर्वप्रिय है, जो जो परमात्मा को जानता है उनका तो वो प्रिय है ही, और जो नहीं जानते उनका तो वो कैसे प्रिय होगा। परंतु हर मनुष्य के जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां, कुछ ऐसे पड़ाव आते हैं जब वो जानते ना जानते हुए परमात्मा के नियमों को मानता है, प्रकृति के नियमों को मानता है, उनको अपने लिए हितकर समझता है और इस तरह से वो परमात्मा सर्वप्रिय है, सबका प्रिय है। तो यहाँ पर उसकी कमनीयता किसके साथ जोड़ी? महर्षि दयानंद जी ने उनके कवित्व के साथ। उषित असी कवि, परमात्मा आप हमारे लिए क्यों चाहने के योग्य हो, क्यों कामना करने के योग्य हो? क्योंकि आप पूर्ण विद्वान हो। वैसे तो ये सारा ऐश्वर्य प्रकृति का जो सौंदर्य हम अपनी तरफ देखते हैं ये भी उसकी प्रियता का कारण है, हो सकता है, परंतु ये कुछ निचले स्तर का है। जब हम परमात्मा से ज्ञान को मांगते हैं, जब हम उसकी विद्वता से प्रभावित होते हैं, तो ये स्तर ऊंचा स्तर है। परमात्मा से भौतिक सुखों की मांग करना, उसके इस ऐश्वर्य को अपने अंदर लेने का प्रयास करना, उसका प्रयोग करना, ये भी हमारी जरूरत है, आवश्यकता है। परंतु हर व्यक्ति केवल इस बात से संतुष्ट नहीं होता, उसकी इच्छा इससे अधिक कुछ पाने की भी होती है। और वो अधिक कुछ पाना क्या है? उसके ज्ञान को प्राप्त करना, उससे ज्ञान का उम्मीद करना। हम लोग किसी से क्यों प्रभावित होते हैं, या यूं कहिए कि हर व्यक्ति जिस स्तर पर जीता है, जो उसकी इच्छा होती है, जो कुछ उसको कमनीय होता है, जो कुछ वो चाहना चाहता है, वो जिस स्तर पर जिस व्यक्ति से उसको प्राप्त होने की उम्मीद होती है वो उसकी तरह बनने का प्रयास करता है। और वो उन दूसरों में जो उसका अपना स्वयं का गुण होता है वो हमें ज्यादा प्रभावित करता है। इसको एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत पैसे वाला है, बहुत उसकी गोपियां हैं, बंगलोज है, गाड़ियां हैं, सब कुछ उसके पास है,
परंतु उस आदमी का स्वभाव, उसका मन, उसकी नेचर, उसके गुण अच्छे नहीं है, तो हमें वो व्यक्ति अपनी उस अमीरी, उस रिचनेस के बावजूद भी हमें वो प्रभावित नहीं करता, हमें वो अच्छा नहीं लगता। दूसरी तरफ कोई व्यक्ति जिसके पास ज्यादा धन दौलत नहीं है, परंतु वो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता है, उसका शारीरिक सौंदर्य भी इतना प्रभावित करने वाला नहीं है, तब भी हम उस व्यक्ति को अधिक पसंद करते हैं, अधिक अच्छा समझते हैं, क्योंकि ये मन का अच्छा होना उसका निजी गुण है। जो बाहर की चीजें हैं वो बाहर की हैं, अपना अंदर का हृदय शुद्ध होना, पवित्र होना, ये अधिक जो है वो प्रभाव करता है। तो ये परमात्मा का निजी गुण है, उसका जो वो कभी कहा, कभी यहाँ पर पूर्ण विद्वान, पूर्ण विद्वता के लिए, और वो कैसा है, वो कांत दृष्टा है, वो दूर दूर की बात जानता है। हमारा जो दृष्टिकोण है वो बड़ा सीमित है, हम केवल अपने आसपास का या बाहर बाहर से जो हमें दिखाई देता है हम केवल उसको देखते हैं, परंतु परमात्मा दूर तक अंदर की बात जानता है और वो हमें बताता है। इस कारण से परमात्मा कमनीय है, उषित असी कवि, ये है मंत्र का पहला भाग। आगे कहते हैं मंत्र में अंधारी असी पंभाई, अंध कहते हैं पाप को। वो परमात्मा कैसा है, वो पाप को, जो कुछ हमारी हानि करता है, जो भी हमारी हिंसा करता है, परमात्मा उसको हटाने वाला है। अंधारी असी, असी मतलब है, वो अंध को नाश करता है, पाप को हमसे हटाता है। और कैसे हटाता है, कि वो हमारे हृदय में जान देकर, जो हमारे हृदय में गलत धारणाएं, भावनाएं, गलत विचार विचार हैं, उनको दूर करके वो हमारे पाप को नष्ट करता है। और आगे का बंभारी, बंभारी का एक अर्थ है, यहाँ पर भ ध के स्थान पर आया है, बंधारी असि, पाप का नाश करके वो हमारे बंधन का नाश करता है। क्योंकि जब हम कुछ गलत काम करते हैं, पाप करते हैं, तो हम बंधन में आ जाते हैं, और जब ईश्वर हमें पाप करने से रोकता है तो हमारे बंधन को भी वो काट देता है। और अगर महर्षि के शब्दों में ले तो वो लिखते हैं अंधारी, परमात्मा कैसे है, वो अंधारी है, अग्नि के अरि, अरि मतलब शत्रु, परमात्मा क्या है, पाप के शत्रु, स्वभक्तों के पाप के वो शत्रु है, स्वभक्तों के वो पाप का नाश करते हैं। और बंभारी का कहते हैं कि वो सब जगत को धारण करने वाले और पालन करने वाले हैं। पालन और धारण वो किसका करते हैं, सब जगत का करते हैं, परंतु पापों का नाश केवल किसका करते हैं, स्वभक्तों का। स्वभक्त अर्थात जो अच्छे कर्म करने वाले हैं, जो मुक्ति में जाने वाले हैं, जो जीवन मुक्त होने वाले हैं, उनके पापों का भी परमात्मा नाश करते हैं। आने वाले भावी पापों का तो करते ही हैं। योग दर्शन में भी आता है ना, हे दुखम अनागतम, ये जो आने वाले भविष्य के दुख है, हम उसके कारण को देखकर उसको हम छोड़ने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि स्वभक्तों का, जो परमात्मा के विशेष भक्ति करते हैं, विशेष भक्ति करना अर्थात उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, उनके परमात्मा उनके हृदय में प्रेरणा देकर उनको गलत रास्ते से जाने से रोकते हैं और इस तरह से उनको पाप करने से बचा देते हैं। और आगे है अवश्य रसी दुस्वा, अवश्य का अर्थ ऋषि करते हैं तारे, एक तारे होते हैं धागे, जुलाहा अलग अलग धागों को सिलकर जोड़कर एक ऐसा व्यवस्थित रूप दे देता है, एक ऐसा ढांचा बना देता है कि वो एक वस्त्र बन जाता है। और एक तारे होते हैं जो आसमान में तारे, सितारे जिसको हम कहते हैं, परमात्मा ने लोक लोकांत अलग अलग सितारे बनाए हैं, ये तारे बनाए हैं
अपने आप में स्वतंत्र है, परंतु उसने ऐसी संरचना की है कि वो मिलकर एक सुंदर, उनको ऐसे जोड़ दिया है, संबंधित कर दिया है कि वो एक सुंदर रचना बन जाती है। इसको अच्छे तरीके से हम समझ सकते हैं कैसे, कि पृथ्वी अलग स्वतंत्र होते हुए भी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटता है, इस तरह से परमात्मा ने उनको एक सुंदर संरचना के रूप में बना दिया है। अवश्य रसी आगे है दुबस्वान। दुबस्वान का निघंटु में परिचर्या की अर्थ क्या है? परिचर्या करना, किसी की सेवा करना। परमात्मा हमेशा अपने भक्तों को, धार्मिक लोगों को, या यूं कहिए कि हम सब के लिए भी वो अन्न आदि देने की इच्छा करता है। जब ये सृष्टि की रचना का जो विवरण आप पढ़ते हैं वेद में, कि पहले उसने अन्य त्यागी चीजें बनाई है, मनुष्य तो सबसे लास्ट में बनाया, ताकि ये सब व्यवस्था जो है मनुष्य लोगों के लिए की जा सके। तो इस प्रकार परमात्मा क्या करता है, हम सबकी देखभाल करता है, हमारे लिए सब व्यवस्थित करके देखभाल करता है। और महर्षि के अनुसार परमात्मा हम सबके द्वारा भी परचरणीय है, सेवनीय तम है। हम जैसे लोग परमात्मा को क्यों चाहते हैं? ताकि हम उनसे भौतिक सुख, सांसारिक सुख, संपदा, ऐश्वर्य प्राप्त कर सके। परंतु विद्वान लोग परमात्मा को परमात्मा के लिए जाते हैं। जब परमात्मा को ही उसने मांग लिया, तो जो भी कुछ उससे संबंधित है वो तो मिल ही जाएगा। एक छोटी सी दृष्टांत से भी बात बहुत अच्छे समझ आ जाएगी। एक राजा ने एक बार अपना पूरा जो खजाना था खोल दिया कि जिसको जो चाहिए वो आकर ले जाए। तो बहुत लोग तेजी से आकर, कोई कुछ उठा रहा था, कोई कुछ, सब लोग लगे हुए थे कि जितना उठा सकते हैं उठा ले, आज का ही दिन है। एक छोटा सा बच्चा आया, सब देख रहे थे कि ये क्या उठाएगा। उसने आके राजा को ही हाथ लगा। जब राजा को ही उसने ले लिया, तो बाकी चीजों को उसको उठाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक इसी तरह विद्वान लोग भगवान से भगवान को ही मांगते हैं, बाकी सब चीजें तो इसलिए कि वो भगवान को पाने में योगदान मिल जाए। तो जो भगवान को पा लेता है उसको और चीजों की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए परमात्मा जो है वो हम सब के लिए क्या है, सेवनीय तम है, ताकि हम उसके गुणों की सेवा करें, सेवन करें, सेवन करें अर्थात उनको धारण करें और उनको अपने व्यवहार में लाएं। आगे आता है शुद्धि रसी मार जानी। परमात्मा सबसे बड़ा शोधक है। शुद्धता के रूप में अगर कोई उदाहरण चाहिए, कोई लक्ष्य चाहिए, तो परमात्मा से बढ़कर शुद्ध कोई भी व्यक्ति नहीं है। कितना भी श्रेष्ठ व्यक्ति, कितना भी विद्वान व्यक्ति क्यों ना हो, परंतु परमात्मा उससे कहीं अधिक शुद्ध है। योग दर्शन में है ना, निर्दिशयम सर्वज बीजम, कि उसका अतिशय कोई भी नहीं कर सकता। वो ज्ञान में सबसे बड़ा है, वो शुद्धता में सबसे बड़ा है। और उसने सृष्टि की रचना इस प्रकार की है कि यहां पर भी शोधन की क्रिया हर समय बड़े व्यवस्थित रूप में चलती रहती है। हम सब लोगों का शोधन तो परमात्मा करते ही है आंतरिक रूप से, हमें ज्ञान देकर, हमारे अज्ञान को वो दूर करते हैं। और सबसे बड़ा शोधक हमारे बीच में कौन है? सूरज। सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर पड़ती हैं, तो वो बीमारी के कीटाणुओं को, हानिकारक कीटाणुओं को खत्म करती हैं। अगर कुछ दिन बारिश लगातार आती रहे और सूर्य ना निकले, तो सब तरफ बदबू, स्मेल, सड़न शुरू हो जाती है। कपड़ों में स्मेल आती है, आसपास की जगह, सब जगह स्मेल आती है। और जैसे ही सूर्य उगता है, सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं, तो वो सब दुर्गंध जो है वो दूर होनी शुरू हो जाती है।
वायु हमारे बीच में बहुत बड़ा शोधन करती है जहां हम रहते हैं। अगर वहां की वायु वहां पर और ना चले तो उसी हवा में अगर हमें सांस लेना पड़े तो क्या हालात होंगे। यहां हम बैठे होते हैं, कई बार गाड़ियां जाती हैं तो फ्यूम्स आती हैं अंदर, थोड़ी देर तक वो आती रहती है, जब दूसरी हवा का झोंका आता है तो वो फ्यूम्स खत्म हो जाती है। इस प्रकार वायु को चलाकर ही परमात्मा हमारी शुद्धि करता है। ये सारी व्यवस्था किसकी की हुई है? उसी परमात्मा की, और इन कारणों से वो हमारे चाहने योग्य है। जल सबसे बड़ा शोधन, उसको इसका ऐसा रूप बना के दिया कि जल के बिना हम सोच भी नहीं सकते कि हम अपनी शुद्धि कैसे कर सकते हैं। अपने कपड़ों की, अपने नहाने की, अपने घर की, अपने आसपास की सब जगह की सफाई जो है शुद्धता जल के द्वारा होती है। समुद्र में ज्वार भाटा आता है, अंदर जो जल है समुद्र का वो बाहर आता है, बाहर की चीजें वेव्स लहरें ऊंची ऊंची उठती है तो वो बाहर का जो चीजें है वो अंदर ले जाती है, अंदर की बाहर, ये सब शुद्धि चल रही है। बहुत छोटी छोटी बातें अगर हम लोग करें, हम खाना खाते हैं कुछ छोटे छोटे कण नीचे गिर जाते हैं खाने के, उसी समय चींटियां आ जाती हैं और वो उठाकर ले जाती हैं। हमारे शरीर की शुद्धि हर पल चल रही है, ऐसी व्यवस्था परमात्मा ने की है कि हर पल हमारे शरीर की शोधन क्रिया चलती ही रहती है। पूरे शरीर में पोर्स है, वी ऑल पर्सपायर, पसीना आता है, दुर्गंध हटती है, अंदर की जो क्या कहते हैं टॉक्सिन्स वो बाहर आते हैं, और इस तरह से बाकी भी जितने वी गिव आउट एक्सक्रीटा मल त्याग करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, इमेजिन करके देखिए हर शरीर से जो गंदगी है वो बाहर निकलती है और शरीर की शुद्धि होती रहती है। अगर ऐसा ना होता तो इमेजिन कीजिए, कल्पना करें कि हमारा क्या हाल होता। और इसी तरह से मैं बता रही थी कि शरीर जब मृत्यु होती है इसमें दुर्गंध आती है। जंगल में जानवरों की, पक्षियों की, पशुओं की मृत्यु होती है तो वहां पर पहले बड़े बड़े जानवर आकर उनका मांस खा जाते हैं, फिर छोटे जानवर, उसके बाद भी अगर कुछ बचता है हड्डियों के साथ तो वो पक्षी आकर उसको खाते हैं, और अगर उसके बावजूद भी कुछ रह जाता है तो चींटियां आकर उसको इतनी अच्छी तरह से सफाई करती हैं कि केवल हड्डियां रह जाती हैं। ये बात मैं कैसे कह रही हूँ क्योंकि मैं जब पहले जहां रहते हैं पीछे डिफेंस लैंड है तो मैं मॉर्निंग में उधर ही वॉक के लिए जाया करती थी, और कभी कभी वहां पर क्योंकि वो पूरा ऐसा एरिया था, कभी कभी वहां पर किसी की कोई गाय की भैंस की डेथ हो मृत्यु होती थी तो वो आकर डेड बॉडी वहां पर चुपचाप डालकर चले जाते थे। तो शुरू में एक दो दिन तो बहुत दिक्कत होती थी, बहुत स्मेल आती थी, धीरे धीरे मैं देखती थी कि वो स्मेल कम होती जा रही है, उनको पशुओं ने खाना शुरू कर दिया है और अंत में बाद में बिल्कुल कोई स्मेल नहीं रहती थी, वो केवल हड्डियां ही रह जाती थी। और अगर कहीं पर पशु पक्षी नहीं भी आते तो वो कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं कि उसको वहीं गला देते हैं और वो वहीं पर समाप्त हो जाता है। ये सब कुछ शोधन कर रहा है परमात्मा, मार जा रही है वो, इस तरह से मार्जन करता है, सफाई करता है और हमारे पापों का भी निवारण वो करता है। संध्या में मार्जन मंत्र है ना, भूख लाल ऋषि रसी, अलग अलग जब पानी हम करते हैं मंत्र बोलते हैं कि हमारे अंगों का परमात्मा पवित्र करे, शुद्धता प्रदान करे। तो परमात्मा कैसे है, शोधन करने वाला है। आगे कहा सम्राट ऋषि, परमात्मा सम्राट है, बहुत बड़े राजा के समान है और अपने पूरे ऐश्वर्य के साथ प्रकाशित हो रहा है, हर स्थान पर हमें उसकी उपस्थिति का एहसास होता है। और सम्राट होने के साथ साथ वो कृशानु, कृश कहते हैं कमजोर, दुर्बल, दुर्बल दीन व्यक्तियों का भी पूरा, उनके प्राणों की रक्षा भी, ऋषि के शब्दों में प्राणों की रक्षा दुर्बल दीन व्यक्तियों की भी कौन करता है, वही परमात्मा करता है। वो ऐसा राजा नहीं है कि दीन दुखियों की उपेक्षा करे, जैसा कि हमारे व्यवहार में कई बार दिखाई देता है,
परंतु परमात्मा क्या है, सम्राट मसीह कृष्ण, वो कृष्ण लोगों का कमजोर दुर्बल तीन लोगों की भी पूरी जो है उनकी रक्षा करने की उसकी व्यवस्था रहती है। उसका नेक्स्ट पार्ट है मंत्र का परिषद्योसि पवमाना। परिषद कहते हैं सभा, वो परमात्मा कैसा है, वो परिषद के योग्य है। जैसे हम यहां पर सब सभा में बैठे हैं तो परमात्मा ऐसी सभा में सर्वश्रेष्ठ है। मनुष्य के शब्दों में वो आज्ञापक है, परमात्मा आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते हैं, वो आज्ञा देने के योग्य है, वो सभ्य है, सभापति है, सभा रक्षक है और सभा प्रिय भी है। क्यों है वो सब कुछ, क्योंकि वो बहुत पवित्र है, न्यायकारी है, वो नियम बनाते हैं और उन नियमों का पालन करके लोगों तक न्याय पहुंचाते हैं। और इस तरह से वो पूरी सभा की, सभा में जब बैठते हैं तो हम सब लोग, ये हम सब पर भी लागू होता है कि हम हमेशा अपना वी ट्राई टू प्रेजेंट आवर बेस्ट। जब बताओ कि कैमरा ऑन है, वीडियो हमारे पर फोकस हो रहा है तो सब लोग बड़े अलर्ट हो जाते हैं। तो परमात्मा जो है वो बिना इस बात के वो हर समय सर्वश्रेष्ठ है, सर्वप्रिय है, वो चाहने के योग्य है और इसलिए क्या है पवमाना, वो पवित्र स्वरूप परमात्मा पवित्र कारक है, वो औरों को भी पवित्रता प्रदान करता है। वो ऐसा सम्राट है जो नियम भी बनाता है, न्याय भी करता है और सभा के लिए प्रिय भी है, सभा को आज्ञा भी देता है, सभा की रक्षा भी करता है और सभा का पालन भी करता है। और आगे कहते हैं मंत्र में नभो असि, नभ कहते हैं आकाश, अंतरिक्ष, जो भी मलिनता होती है वो नीचे होती है, आकाश है वो स्वच्छ होता है, वहां पर मलिनता नहीं होती। तो परमात्मा कैसा है, वो निर्विकार है, उसमें किसी भी तरह की कोई मलिनता नहीं है। नभो असि, नभो असि प्रतक्वा, बहुत सुंदर शब्द कहा प्रतक्वा। यहां पर तक धातु हंसने के लिए यूज होती है, हंसने हंसाने के लिए। परमात्मा जो है वो हंसता है, हंसता है अर्थात हर्षित रहता है, वो हमारी तरह कभी निराश या उदास नहीं होता। और वो क्यों हंसता है, क्यों हर्षित रहता है, क्योंकि वो जानता है, उस सब को जानता है, सबके सत्य असत्य कर्मों का साक्षी है। हम जो भी कर्म करते हैं, पाप पुण्य, उनका वो साक्षी है और उसके अनुसार वो पूरा उसका जो व्यवस्था है वो ऐसी है कि किसी का पाप या पुण्य किसी दूसरे को ना मिले। व्यवहार में कई बार कुछ लोगों की, हमारे लोगों की, हमारे भी ऐसी कोशिश होती है कि अगर कुछ गलत हो जाता है तो हम स्वयं उससे अपने आप को अलग करके दूसरे पर डालने की कोशिश करते हैं कि ये मैंने नहीं किया, दूसरे ने किया, या ऐसा हो गया था तो ये ऐसा हुआ है। परंतु परमात्मा की ऐसी व्यवस्था है कि कभी भी किसी का पाप या पुण्य दूसरे को प्राप्त नहीं होता। हम लोग अक्सर इस बात पर विश्वास करते हैं, मैं भी सोचा करती थी, पर इस मंत्र को पढ़ने मुझे स्पष्टता आ गई कि कई बार हम किसी से दान लेते हैं जो व्यक्ति करप्ट है, तो हम सोचते हैं कि उसकी तो कमाई पाप की है तो क्या लेना, उसके पाप के भागी हम भी बनेंगे। और अगर कोई धर्मात्मा होता है तो हम कहते हैं कि बड़ा पवित्र व्यक्ति है, इसकी तो बहुत अच्छा रहेगा, हमें भी पुण्य मिलेगा। परंतु इस मंत्र में बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में परमात्मा ने बता दिया कि कभी भी किसी का दूसरे का पाप या पुण्य दूसरे को प्राप्त नहीं होता, कभी नहीं लगता। तो ये बात हमारे लिए बहुत स्मरणीय है, समझने योग्य है और याद रखने योग्य है।
आगे है मृष्टो असि हव्य सूचना। मृष्टो अगेन शुद्ध रूप में आया है कि परमात्मा शुद्ध स्वरूप है, वो स्वयं शुद्ध है, वो दूसरों को भी शुद्ध करता है। एंड हव्य सूचना, सूचना कहते हैं भेद करना, उसको अलग अलग करना। और हव्य क्या होता है, जो हम हवन में आहुति डालते हैं, जो भी कुछ हम किसी को ऑफर करते हैं, चाहे वो खाने के लिए है, यज्ञ के लिए है, उसको वो अलग अलग करता है। हम यहाँ पर महर्षि दयानंद जी ने उसको यज्ञ से जोड़कर बताया है कि मिष्ट सुगंध रोग नाशक पुष्टिकारक तत्व जो हम यज्ञ में आहुति देते हैं, हमने आहुति दे दी, आगे का काम कौन करेगा? आगे भी तो कोई करेगा, वो आगे का काम परमात्मा करता है। अग्नि जो है वो उसको सूक्ष्म करके वायु और वृष्टि के रूप में, वायु और बारिश के रूप में वो हमें वापस देती है, वायु शुद्ध होती है, उस वर्षा का जल पवित्र हो जाता है और वो हमें उन तत्वों को अलग अलग करके लाभान्वित करती है। तो ये कैसे गुण है, ये चाहने योग्य है। हम परमात्मा की चाहना करें, हम परमात्मा को इन गुणों के कारण स्वीकार करें। और अंत में कहा रित धामासी स्वर ज्योति, रित सत्य, परमात्मा क्या है, उस सत्य के धाम है, वो केवल सत्य में ही निवास करते हैं, यथार्थ में ही निवास करते हैं। परमात्मा सत्य स्वरूप है और जो जो सत्य में व्यवहार करता है, जो जो सत्य में निष्ठा रखता है, सत्य को अपनाता है, परमात्मा की उस पर विशेष कृपा होती है। स्वर ज्योति, वो ज्योति स्वरूप है, वो हर जगह प्रकाशित है। स्वर ज्योति सुख स्वरूप है, वो सुख स्वरूप है और सुख कारक है। जिसके पास जो कुछ है वो वही देगा ना, परमात्मा के पास सुख ही सुख है, तो वो सुख स्वरूप है और वो दूसरों को भी सुख देता है। इतने सारे गुण परमात्मा ने एक इसी मंत्र में बताए, परमात्मा के अनंत गुण। इस मंत्र के द्वारा हमें वो क्या सीख दे रहे हैं, परमात्मा का क्या संदेश है इस मंत्र के द्वारा हम सब के लिए, जो महर्षि ने कहा कि हम सब लोग ऐसे गुणों को धारण करने का प्रयास करें। जो भी गुण हमें स्मरण कभी आ जाता है, उसी गुण को हम अपने अंदर धारण करने का प्रयास करें। स्तुति क्या करते हैं, उन्हीं गुणों को बार बार रिपीट करके, जिसकी जैसे मैंने कहा जिसकी जो बनने की इच्छा होती है, जो उनको दूसरे में देखता है वो उसकी नकल करता है। क्रिकेट में छोटे छोटे बच्चे सचिन तेंदुलकर की कर रहे होते हैं, उनके लिए आइडियल बनी है। मूवीज में हीरोज की हीरोइंस जिसकी जो फेवरेट होती है, यहाँ पर हमारे सामने सबसे बड़ा जो हीरो, सबसे अधिक जो कामना करने के योग, जो अनुकरणीय है, वो कौन है, ईश्वर। तो वो कमनीय है, वो कामना करने के योग्य है और उसकी हमें कामना करनी चाहिए। और किस कारण से, कि सबसे अधिक उसके ज्ञान के कारण, उसकी विद्वता के कारण हमें उसको जाना चाहिए, उस ज्ञान को हमें प्राप्त करना चाहिए। यहाँ पर मुझे एक और मंत्र, कुछ दिन पहले मैं पढ़ रही थी, मुझे मंत्र तो पूरा याद नहीं है, वो भी यजुर्वेद का शायद 23वें अध्याय का 46 और 47 मंत्र इकट्ठे ही है। पहले मंत्र में वहां पर प्रश्न पूछे गए हैं कि सूर्य सम ज्योति किसकी है, तो यहाँ पर अभी मैं सिर्फ उतना ही ले रही हूँ क्योंकि मुझे वही ध्यान आ रहा है जो इससे रिलेटेड भी है कि सूर्य सम, सूर्य क्या करता है, प्रकाश देता है। सूर्य सम ज्योति किसकी है, ब्रह्म की। ब्रह्म यहाँ पर परमात्मा के लिए नहीं आया, परंतु परमात्मा के ज्ञान के लिए आया। वो कहते हैं करोड़ों सूर्य भी मिलकर हमारी जो अंतर गुहा, जो हमारा आंतरिक तिमिर अंधकार अज्ञान है,
यहाँ पर पृथ्वी पर सृष्टि पर जितने करोड़ों सूर्य हैं वो सारे मिलकर भी उस अंधकार को नहीं हटा सकते। वो केवल और केवल ब्रह्म का जो ज्ञान है वही उस सत्य का प्रदर्शन करता है। बहुत सुंदर मंत्र है वो, कभी फिर होगा तो उसको भी लेंगे। तो मैंने इसलिए यहाँ पर ये मुझे ध्यान आया, मैंने बोला कि ज्ञान की इतनी प्रमुखता है, अगर किसी का हमें सम्मान करना है तो उसके बाह्य स्टेटस को, उसके सौंदर्य को, उसकी जो कहते हैं उसके व्यवहार या उसके सोशल स्टेटस को देखकर नहीं, बल्कि उसके ज्ञान को उसके आंतरिक गुणों के कारण करना चाहिए। और ये सब गुण ईश्वर में विद्यमान है और इन्हीं गुणों के कारण हमें उस ईश्वर का ध्यान करना चाहिए और ध्यान करते हुए उनके गुणों पर विशेष रूप से चिंतन करके जो भी गुण हमें अच्छा लगे उस गुण को जितनी मात्रा में हम अपने अंदर ले सकें हमें उसको लेना चाहिए। 2-3 मिनट के लिए अगर आप चाहें तो थोड़ा सा शांत होकर गायत्री मंत्र बोलकर सब मिलकर बोलेंगे और उसी मंत्र के ऊपर ही ध्यान ये रखेंगे कि हमारा जो ध्यान है केवल शब्दों पर बने, इधर उधर ना जाए, अर्थ पर नहीं, केवल शब्दों पर रहे, ताकि हम थोड़ा सा अपने आप को कंसंट्रेट करके अपने आप में शांत अनुभव कर सके। तो ये करते हैं, सब लोग सीधे होकर बैठेंगे, कमर सीधी सीधे हो जाएंगे,
उसके